क्या होगा जब आपकी बीवी को पता लगे कि यह नई ट्रेंड है, तो सभी ये कर रहे हैं। मेरा ईसाई लिमो चालक कहाँ गया? मेरा धार्मिक पति लापता है। वह बच्चा जिसका मैंने बपतिस्मा कराने का चुनाव किया था वह चला गया है। मिस्टर थॉम्पसन, क्या हो रहा है? यह रैप्चर है शोना, रैप्चर। नेक लोग स्वर्ग गए हैं और हम में से बाकी लोग नीचे छोड़ दिए गए हैं। हम मूर्ख थे और क्योंकि हमने ईश्वर को ठुकरा दिया, मौन स्वीकार करते हुए शैतान को, हमें प्रलय के माध्यम से दुख सहना पड़ेगा। मैं सोचता था कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। मेरी गलती थी। मैंने विज्ञान और तकनीक पर अपनी उम्मीद क्यों टिकाई? दोस्तों, आज तक मैंने अपने चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड किए हैं उन सारे वीडियोज से अलग और हट के आज का ये वीडियो होने वाला है। देन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने एक सीरियल ज़रूर देखा होगा और अगर आप लोगों ने बचपन में नहीं देखा होगा तो इन दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर उस सीरियल की बहुत सी छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जिसको आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसका नाम है सिम्पसन। और इस सीरियल की खास बात यह है कि इसमें जो दिखाया गया था उन एपिसोड्स की बहुत सी बातें आज पूरी हो चुकी हैं, जिसका क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और दिखाऊंगा भी। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह में होने के नाते हमारा रैप्चर होना है, मतलब हमारा गुप्त रैप्चर होने वाला है और वो कब होगा हम नहीं जानते। लेकिन अगर बाइबल के नज़रिए से आज हम देखें तो वो समय आ चुका है कि जब ये रैप्चर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, 1980 से शुरू हुआ ये सीरियल, उसने पहले ही इस बात के बारे में लोगों को बता दिया कि रैप्चर होने वाला है। और इन लोगों को बाइबल की भविष्यवाणी से क्या लेना देना है? सोचने वाली बात यह है दोस्तों, ये एक सीरियल है जो कार्टून सीरियल था, उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जिसकी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। और मैं भी इन बातों को देखकर हैरान हो चुका हूँ कि पहले, काफ़ी सालों पहले ये चीज़ें बोल दी गई थी, दिखा दी गई थी और हूबहू सेम टू सेम ये चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई दी हैं। सेम टू सेम ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों, ऐसा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ एक और क्लिप शेयर करूँगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि बाइबल में जो रैप्चर दिखाया गया है वो रैप्चर भी इन लोगों ने कवर किया है, इन्होंने दिखाया कि रैप्चर भी होने वाला है। और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। बचपन में मैं एक कार्टून बहुत देखा करता था, द सिम्पसन्स। लेकिन उस कार्टून में जो दिखाया जा रहा था कभी इतना ध्यान से नोटिस नहीं किया, अंटिल रिसेंटली व्हेन आई वॉच्ड इट अगेन एंड समथिंग जस्ट ब्लू माय माइंड। चेक दिस आउट, ईयर 2006, सीजन 17, एपिसोड 10 में बताया गया था कि एक सबमर्सिबल पानी की गहराई में जाएगा। 2023, ओशन गेट हैपेंड। 1995, सीजन 6, एपिसोड 19 में बताया गया कि एक आदमी अपनी घड़ी से कॉल कर रहा है। 2023, हम सब अपनी स्मार्ट वॉचेस से कॉल कर सकते हैं। ईयर 2000, सीजन 11, एपिसोड 17 दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा अपने पैसों के दम पे। 2016, ना ही सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना बट जो इमेज कार्टून में दिखाई गई थी वही सेम रेप्लिकेट हुई रियल लाइफ में। 1998, सीजन 10, एपिसोड 5 में दिखाया गया है कि वॉल्ट डिज्नी और फॉक्स का मर्जर होगा। कट टू 2021, वॉल्ट डिज्नी अनाउंस्ड अ $71 बिलियन मर्जर विद फॉक्स। एंड 1993, सीजन 4, एपिसोड 21 में बताया गया है कि एक पेंडेमिक आएगा। 2020, कोरोना वायरस हैपेंड। अब सवाल ये उठता है, क्या सिम्पसन्स के राइटर्स टाइम ट्रैवल कर सकते थे? देन अभी आप लोग को देखकर बहुत हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ है दोस्तों और ऐसा हो भी रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ एक और क्लिप शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बाइबल का रैप्चर दर्शाती है कि रैप्चर कैसे होने वाला है। और रैप्चर जब होगा तो अचानक से होने वाला है, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, बाइबल ये कहती है। और इस वीडियो में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। देन पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या होगा जब आपकी बीवी को पता लगे कि यह नई ट्रेंड है, तो सभी ये कर रहे हैं। मेरा ईसाई लिमो चालक कहाँ गया? मेरा धार्मिक पति लापता है। वह बच्चा जिसका मैंने बपतिस्मा कराने का चुनाव किया था वह चला गया है। मिस्टर थॉम्पसन, क्या हो रहा है? यह रैप्चर है शोना, रैप्चर। नेक लोग स्वर्ग गए हैं और हम में से बाकी लोग नीचे छोड़ दिए गए हैं। हम मूर्ख थे और क्योंकि हमने ईश्वर को ठुकरा दिया, मौन स्वीकार करते हुए शैतान को, हमें प्रलय के माध्यम से दुख सहना पड़ेगा। मैं सोचता था कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। मेरी गलती थी। मैंने विज्ञान और तकनीक पर अपनी उम्मीद क्यों टिकाई? इस वीडियो के अंदर कि इन लोगों ने इस सीरियल में बाइबल की इस भविष्यवाणी को भी कवर किया है, इन्होंने इसके ऊपर भी स्टोरी बनाई है, एपिसोड बनाया है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो रैप्चर होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये
वो सीरियल है जिसकी बहुत सी बातें आज कंप्लीट एकदम हूबहू पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और हमें इस बात को लेकर बहुत सतर्क होना चाहिए कि इन लोगों ने भी बाइबल का रैप्चर, जो विश्वासियों का रैप्चर होने वाला है, उस रैप्चर को इन लोगों ने कवर किया है, उसके ऊपर एक सीरियल बना दिया इन लोगों ने। क्यों? और आप लोगों ने देखा कि लोग जो फंसे हुए थे धर्म में, जात में, अंधविश्वास में, जो फंसे हुए थे, लास्ट में पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? कि जब छूट जाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर, जब वो फिर छाती पीटेंगे, रोएंगे, तब उनका कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन आज परमेश्वर ने सबके लिए अनुग्रह का रास्ता खोल रखा है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर फिर जाएं, और वो रास्ता केवल यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन आज लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, उसके ऊपर तरह तरह के बातें, तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, तरह तरह की दोष ईसाई लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं। क्यों? बिना बात। इसलिए क्योंकि ये लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये समय आएगा जो यहां पर देखने को आप लोगों ने मिला है, इन लोगों ने भी रैप्चर के बारे में कवर कर दिया है। ये वो चीजें कवर करते हैं, जितना मैंने इस सीरियल को डीपली, जितनी मैंने जांच पड़ताल की है, ये लोग उन चीजों को कवर करते हैं जो भविष्य में पूरी होने वाली हैं। और आप लोगों ने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, जो पहले ही बोल दिया गया था, वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, जो हूबहू हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो इन्होंने बोला वो हो गया। क्या ये फ्यूचर देख रहे हैं? फ्यूचर नहीं देख रहे दोस्तों। ये अगर हम देखें तो विश्वासी लोग, अगर जो भी चीज हम देख रहे हैं और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेट करती है, उस चीज को हमें थाम लेना है, पकड़ लेना है दोस्तों, ताकि हम और भी तैयार हो सके। क्योंकि एक्चुअली वो समय आ चुका है कि जब रैप्चर होने वाला है, जब विश्वासी उठा लिए जाएंगे और अविश्वासी संसार में छूट जाएंगे, और वो रोएंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं होगा दोस्तों। लेकिन क्या आज आप तैयार हैं दोस्तों? क्या आप तैयार हैं उस रैप्चर के लिए? क्योंकि ये रैप्चर गुप्त होने वाला है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब इन लोगों ने ये बना दिया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर इन्होंने ये जरूर बनाया है। बिना बात ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हर किसी स्टोरी के ऊपर। जब इन्होंने बनाया तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक बात है, और ये बाइबल की भविष्यवाणी है दोस्तों, और इसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन दिनों में इस सीरियल का सामने आना, इसकी भविष्यवाणियों का पूरा होता हुआ दिखाई देना, और ये बाइबल की ये भविष्यवाणी भी जो इन्होंने पहले ही कर दी है, जो इन्होंने दिखा दिया, ये बहुत जल्दी रियलिटी में होने वाला है, ये रियलिटी में होने वाला है दोस्तों। फिर हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर हम तैयार नहीं है तो इस संसार में छूटेंगे, और अगर हम तैयार हैं तो हम जरूर उस रैप्चर में उठा लिए जाएंगे दोस्तों। मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इन दिनों में जरूर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, और जितना हो सके लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आने का प्रयास करें। अपनी गवाही लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया। आप बताएं, लोग प्रभावित होंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के भाने के योग्य बनाएं। परमेश्वर आपको जान सके कि हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है जो संसार में रहती है, और इसके जीवन से ये खुद नहीं, मैं दिखाई देता हूँ। आप जब ऐसे बन जाओगे तो लोग आपके जीवन से प्रभावित होंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, और लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। लेकिन अपने जीवन में अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर से कनेक्ट होने से रोक रही थी, उस पाप को, उस बुराई को, हर उस गलत चीज को अपनी लाइफ से हटा दें। क्योंकि दोस्तों, उस समय का हमें नहीं पता है कब रैप्चर होने वाला है। अगर आज हम धर्मी होकर, पवित्र होकर उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे दोस्तों, देन जब वो समय आएगा तो हमें हियाब होगा, हमें हिम्मत आएगी, हमें आनंद होगा, और हम उस रैप्चर में जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सोच के देख लो, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह में हो और पाप में, बुराई में पहले जैसा जीवन आज भी आप जी रहे हो, तो अफसोस, मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ कि वो समय तो आएगा, रैप्चर तो होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर हम इस रैप्चर में यहाँ पे छूट जाए। लेकिन जरूर आज संसार की हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह का आने की ओर इशारा कर रही है, हमें तैयार होना है ताकि हम उठा लिए जाए। आशा करता हूँ कि दोस्तों, आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा,
मैं इतना ही चाहता हूँ दोस्तों कि हम सब प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर जब हो, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार बादलों पे आए, तो हम उसके साथ राज्य करें, सदा उसके साथ आनंद उठाएं। इस संसार का क्लेश थोड़ा सा है, क्षण भर का है, लेकिन जो आनंद हमें पहुंचने वाला है वो सदा का है, और परमेश्वर हमें उस आनंद का सहभागी बनाना चाहता है। और उस आनंद के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस के ऊपर देखकर, क्रूस के ऊपर बलिदान देकर हमें छुड़ाया है, और उस आनंद के, उस सदा के जीवन के वारिस होने के लिए हमें ठहरा दिया है। डिपेंड आप पे है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, या आप अपने जीवन को पहले जैसा ही जी रहे हो, क्योंकि ना तो आपको आप बचा पाओगे, ना आपकी बुद्धि, ना आपका ज्ञान, ना आपका धन, ना आपकी दौलत, ना इस संसार की कोई भी कल्चर, कुछ भी आपको नहीं बचा सकेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि पृथ्वी और आकाश के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह। वो नाम आपको बचा सकता है। अगर आप विश्वास करते हो तो आज अपने घुटने यीशु मसीह के पास टिकाएं, उसको कहें, प्रभु मैं अपने जीवन को तुझे देता हूँ, अपने जीवन के सब अपराधों को मानता हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे अपना बेटा और बेटी बना। निश्चय प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपको एक नया जीवन देगा, और आज से आप उसके बेटे और बेटी होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। God bless you.